गिना देता हूँ, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, आठ कॉइल लगी हुई है। आइए आठ कॉइलों का नॉलेज उठाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अभी के साथ, देखो मजा आ जाएगा। वैसे भी मैंने अपने चैनल को मोनेटाइज नहीं किया है, डीमोनेटाइज कर दिया है, डीमोनेटाइज मैंने अपने चैनल के मोनेटाइजेशन को हटा दिया है ताकि आप लोगों को कोई भी तकलीफ ना हो देखने में और आप लोगों को कोई भी बार बार एड ना आए, क्योंकि दोस्तों मुझे आपको नॉलेज देना है और उसमें फिर किस बात का पैसा। हम सुनते हैं तो दोस्तों सिर्फ अपनी जिद की। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर्रत। आज हम बात करेंगे, थोड़ा सा अलग इंट्रो आपको देखने को मिला होगा, आई होप कि आपको पसंद आया। मेरे को भी कुछ नया करने में मजा आता है और सही बताओ ना कि लाइफ में परिवर्तन, द चेंज बोलते ना, परिवर्तन ही लाइफ का नियम है। सो गाइस आज हम बात करेंगे और जिसकी बात कोई नहीं करता है, पीएमएल की बात, राइट। आप देखिए मेरे पास में ना एक बोर्ड है और यहाँ पे पीएमएल, ये देखिए ये पीएमएलआईसी है। आइए इसके पूरे बग वोल्टेज को समझें इस वीडियो के थ्रू। और गाइस इसके पहले जो मैंने वीडियो डाला था उसमें ना वोल्टेज के लाइन छुप गई थी। ये देखो ये जो है ना ये यहाँ हो गया था, जिसकी वजह से वो मेरे जो बैनर के एरर के चक्कर में वोल्टेज दिखाई नहीं दिए थे। तो आई एम वेरी सॉरी यार, कोई दिक्कत नहीं, बट मैंने इसलिए ये नेक्स्ट वीडियो जल्दी डाल दिया है और इसका पूरा फुल मजा लो, इसको पूरा फुल देखो तबीयत के साथ, देखो मजा आ जाएगा। वैसे भी मैंने अपने चैनल को मोनेटाइज नहीं किया है, डीमोनेटाइज कर दिया है, डीमोनेटाइज मैंने अपने चैनल के मोनेटाइजेशन को हटा दिया है ताकि आप लोगों को कोई भी तकलीफ ना हो देखने में और आप लोगों को कोई भी बार बार एड ना आए, क्योंकि दोस्तों मुझे आपको नॉलेज देना है और उसमें फिर किस बात का पैसा। तो दोस्तों यहां पर अगर मैं बात करूं, यहां पे पीएम लगा है पीएमएल, तो मैं एक बार पीएमएल को पहले चर्चा में लूंगा इस बार विषय में और ध्यान दीजिएगा। और अगर आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको वापस पीएम का एक बार पूरे वीडियो देखना है, सो मैं इसका वीडियो फिर से एक बार डाल दूंगा, क्योंकि ऐसे में वीडियो भरा हो जाएगा, इसलिए अभी मैं पीएमएल का डाल रहा हूँ। मुझे कमेंट करके बताओ, अगर मुझे जितने ज्यादा कमेंट आ जाएंगे एटलीस्ट मुझे कमेंट कर दो भाई दो, अगर आप कमेंट देंगे तो मैं पीएम पे फिर से एक वीडियो बना दूंगा विदाउट बैनर, ताकि आप मेरे मल्टीमीटर को अच्छे से देख लें और अपने वोल्टेज समझ लें। आइए पीएमएल की बात करेंगे। दोस्तों देखिए मैंने यहां पर चार्जर लगाया हुआ है, आप नोटिस करो, ठीक है। और अब यहां पर मैं बात करूंगा, यहां पर मैंने, अच्छा ये मेरा एक जम्पर है, ये मेरा बीबस का जम्पर है। मैं पहले ये जम्पर मार देता हूं क्योंकि इसके बिना मेरा कोई भी वोल्टेज बनेगा नहीं। तो ये जो कैपेसिटर है मेरा, ये बीबस का कैपेसिटर है और इस पर एक जम्पर मार देते हैं। चलिए फिलहाल एक जम्पर बहुत है और अब मेरा जो वीपीएच है वो बनना चालू हो जाएगा, क्योंकि ये मेरा स्विचिंग का मतलब बीबस है, जिससे मेरी स्विचिंग होगी और मेरे को इन सारे बेसिकली कॉइल्स पर वोल्टेज मिलेगा। दोस्तों इसका थ्योरी वीडियो आपको इसके बाद मिल जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, आठ कॉइल लगी है। फिर से गिना देता हूं, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, आठ कॉइल लगी हुई है। आइए आठ कॉइलों का नॉलेज उठाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, ये वाली कॉइल से शुरू करेंगे, ध्यान दो, ये वाले कॉइल से शुरू करेंगे कि ये कॉइल कौन सा कॉइल है। सो डायग्राम उठाता हूं, थोड़ा डायग्राम को विस्तार से समझाता हूं, चलिए ठीक है। तो ये है पीएमएल और ये L901। तो L901 देखो यहां पर बी से स्विचिंग है, S1, तो इसको मैं लिख भी लेता हूं साथ में यार, ये मेरे बाद में भी रिमाइंडर हो जाएगा, तो मुझे भी बार बार इसको देखने की जरूरत नहीं होगी। वन टाइम विद ऑल टाइम। सो ये S1 है, ठीक है। तो ये बी का कॉइल है, अगर हम बात करेंगे PM660 LIC लिख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें S1, और S1 पे जो कॉइल लगा हुआ है ये लगा है 0.4 माइक्रो हेनरी का, तो ये भी हमारे लिए एक नॉलेज है। अच्छा इस कॉइल पर क्या क्या 1.1 वोल्टेज जा रहे हैं और ये बी वाला कॉइल है, ठीक है। तो ये सारे बी होंगे अभी जितना भी हम चेक करेंगे, ठीक है। ये मैंने बताया था आपको वीडियो में, और आपको अगर नहीं पता तो मेरे पहले के वीडियो देख लो। और इस लाइन को अगर हम चेक करें तो ठीक है, और ODT जा रहा है, ये एक CPU है आपका, ये एक तो NC है, यहाँ पर कुछ भी नहीं जा रहा है, और ये वापस ये आ रहा है VDD2। ओके तो ये RAM के वोल्टेज हैं और ये VDD2 है, 1.2 वोल्टेज बन रहे हैं,
तो ये रैम के वोल्टेज बन रहे हैं, आप ध्यान देना ठीक है। तो ये वोल्टेज बनना बहुत ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो आपका बेसिकली मोबाइल चालू नहीं होगा। तो दिस इज डी रैम वोल्टेज और ये वोल्टेज बनेंगे कितने, 1.2 वोल्टेज राइट। चले तो हमने पहले S1 देख लिया जो हमारा कॉयल था L901। अब हम इसके बाद ये वाला कॉयल देखेंगे L905। सो L905 है आपका S5। तो S5 तो अभी हम बात करते हैं S2 S3 S4 S5। तो S5 जो बना है ये भी 0.47 बना है ठीक है, और 0.9 वोल्टेज बन रहा है यहाँ पर। अब देखते हैं बनता है कि नहीं बनता है। तो ये वोल्टेज बनेगा आई थिंक, तो ये NC है ओके। तो ये है MEM दैट मीन मेमोरी, ये बनेगा ठीक है। तो ये वाले कॉइल पे भी वोल्टेज बनेगा, तो एक ये एक ये एक और कॉइल देखते हैं, फिर तीनों पे एक साथ वोल्टेज देखेंगे। अब ये है अगला S4। S4 इज कनेक्टेड विद S3, तो S3 S4 एक जैसा हो जाएगा। तो चले S4 और S3 कनेक्टेड है और इस पर देखते हैं कि क्या वोल्टेज बनेगा क्या नहीं बनेगा। अरे कहाँ चला गया, चले आइए इस पर वोल्टेज देखते हैं कि कनेक्टेड है कि नहीं कनेक्टेड है। तो ये कोर के वोल्टेज है ओके, तो जो हमको उसमें नहीं मिले थे यहां मिल गए VDX VDDCX, ये भी बनेंगे कोर। तो 0.8 समथिंग या कुछ बनेंगे, आइए चेक करते हैं आप सबसे पहले। और मेरे ख्याल से ध्यान देना ये 9.3 होगा ठीक है, ये तो ये 9.3 और 9.4 राइट। चलिए आइए चेक करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा वोल्टेज अभी फिलहाल यहां पर इतने पे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। चलो तो भाई आपको मल्टीमीटर दिखाई दे रहा होगा आई थिंक। सबसे पहले VPH चेक करवा देता हूं, ध्यान दीजिएगा ये देखिए। तो मल्टीमीटर बंद हो गया है, फिर से चालू कर देते हैं एक बार, 2 मिनट दे दो। हो गया क्या, हो गया ठीक है, और गायब ही हो गया मल्टीमीटर क्या। तो मल्टीमीटर को लाएंगे, ठीक देखिए। तो यहां पर सबसे पहले हम BPH देखेंगे, तो हम BPH, अच्छा चार्जर ही नहीं लगा चार्जर लगा देता हूँ यार। तो आइए चार्जर लगा देते हैं, ये देखिए ये गया चार्जर। अब हमारा BPH हो गया होगा जनरेट ठीक है। अब नोटिस करना देखिए ये 3.9 आ रहा है, यहां पर 4.2। अब सबसे पहले इस कॉइल की बात करेंगे तो यहां पे 1.1-1.2 वोल्टेज आना चाहिए, 1.1 आ रहा है, स्टेबल है जो रैम के वोल्टेज है। अब यहां पे वोल्टेज बनना चाहिए 0.9 समथिंग कुछ वोल्टेज बनता है यहां पर। देखो यहां पे वोल्टेज चेक करूंगा फिर से, अच्छा यहां पे कोई वोल्टेज नहीं बन रहा है। और ये मेमोरी के हैं S5, ये जो वोल्टेज है देखिए। अब यहां पर ये कोर के वोल्टेज हैं, ये दोनों आपस में जॉइंट हैं, तो यहां पे चेक करेंगे। ओके फिर से चेक करेंगे, तो मैंने क्या बोला चार्जर लगाओ और इमीडिएटली चेक करो, चार्जर लगाओ इमीडिएटली चेक करो। देखो 0.9 बन गए, ये भी ओके है, चार्जर लगाओ और इमीडिएटली चेक करो क्योंकि PM PML का सर्किट है। क्यों जानना है इसको आपको पहली वाली वीडियो में देख लेना। देखो 0.8 बन गए, वेरी गुड, 0.8 बन जाने चाहिए। देखो अब चार्जर निकालूंगा फिर लगाऊंगा और 2 सेकेंड में चेक करूंगा। देखो देखो कोई वोल्टेज नहीं है ठीक है, फिर चार्जर निकालूंगा फिर चेक करूंगा और वोल्टेज चेक करूंगा यहां पर, तो यहां पर वोल्टेज नहीं बन रहे हैं ठीक है, जबकि ये दोनों कनेक्टेड है। ऑब्वियसली यहां बन जाएंगे तो यहां तो बनेंगे ही बनेंगे।
चार्जर लगाओ, वोल्टेज चेक करो। में से बॉब होता है, अब आप लोगों ने सुना नहीं होगा, आई थिंक बहुत सारे लोगों ने बॉब, आइए बॉब के बारे में बताता हूं। बॉब द सेलर बॉब द सेलर। चलो, तो यह 902 एंड 902 इस कनेक्ट नहीं है, यह S2। तो S2 की लाइन बन रही है 0.4 के साथ, राइट। और ये लाइन पर आप देखिए वीरेज बन रहा है, समझ रहे हो आप, VDD L5 वीरेज बन रहा है भाई इस लाइन पे। ये तो बनना ही चाहिए, तो मे बी 1.3 समथिंग वोल्ट बनेगा। L5 बनेगा तो ये बनेगा, और ये L5 A.8 बना रहा है। ये कहाँ जा रहा है, तो ये पावर के अंदर ही जा रहा है, और VCCSS कोर डिपार्टमेंट है ये। तो ये बनना चाहिए दोस्तों L5, क्योंकि वीरेज S2B अगर नहीं बनेगा तो L5 नहीं बनेगा, है, समझ रहे हो। ये देखो यहां पर भी देखो L1 9 10 ये बना रहा है, L1 बना रहा है 0.9, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर वोल्टेज बनना चाहिए। अब देखो कितने वोल्टेज बनते हैं, आइए चेक करते हैं। 4 यहां पर वोल्टेज है 1.0, बेबी 1.3 होना चाहिए, तो ये आपका एक लोअर LDO वोल्टेज बनेगा, ठीक है। अब क्या बचा, अब एक आखिरी बचा है, और नहीं दो और बचे ना इसके साथ, ये L801। सो ये घूम घाम के वापस आ रहा है, तो ये BOB है, बॉब। सो बॉब एक L की सप्लाई है दोस्तों, और ये बेसिकली वीरेज बॉब करके एक सप्लाई बनाती है। ये सप्लाई बनना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही सप्लाई एक तरह से LDO का काम करती है। तो चलो यार फिर से चालू करते हैं, और यहां पर दोस्तों मैं फिर से एक बार चेक कर लेता हूं। नोटिस करना, जैसे कि मैंने बताया कि इस वाले कॉइल पर मिलना चाहिए मेरे को, ये मेरा कॉइल जो है, ये मेरा S4F1 वो लोअर LDO। तो देखिए, देखो 1 वोल्टेज मिल रहा है, और ये मेरा बॉब है, बॉब। तो इसमें चेक करेंगे, ये देखो 1.8 इधर मिल रहा है, और इधर चेक करेंगे 1.9 इधर, मतलब 2 वोल्टेज इधर और 1.8 इधर, मतलब यहां पर ये बॉब लाइन बन रही है मेरी, ठीक है। तो ये भी मेरा ओके है, तो एक बार मैं बॉब की लाइन को चेक करूंगा। ये है मेरा कौन सा कॉइल है, अगर मैं बात करूं, मेरा जो बॉब है ये L, ये बॉबी के नाम से है, तो मैं इसको लिख लेता हूं एक बार, तो बॉब, तो 1.8 वोल्टेज मिलना चाहिए, 0.47। अब ध्यान देना दोस्तों, ये जैसी बॉब बनता है ना, तो यहां पर आप नोटिस करना एक VREG बॉब लाइन निकलती है, जिस पर हमारे 3.3 तक करीबन, या 3 वोल्टेज मिलते हैं। सो इस कैपेसिटर पे हमें ये वोल्टेज चेक करना है, ये C802। सो आइए चेक करते हैं यहां पर C802 कैपेसिटर पे, कि ये हमारे को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो उससे हमें पता चलता है हमारा बॉब लाइन निकल रही है, नहीं तो हमें PML पे काम करना होता है, ये वाले कैपेसिटर पे। ये देखो 3.3 निकल रहा है ना, इसका मतलब है कि हमारी PML बिल्कुल काम कर रही है, और ये एक बिल्कुल सही सर्किट है। तो चलो आओ दोस्तों एक बार मैं फिर से वोल्टेज को आपको बता दूं। सो हमारा यह है S1, ये है हमारा DRAM, यहां पर RAM के वोल्टेज बनते हैं बिल्कुल। और ये है S2, ये हमारा बेसिकली नहीं S5 है, ये हमारा ये मेमोरी का वोल्टेज है, मेमोरी के, ठीक है। नोटिस करो यहां पर टच हो रहा होगा, तो 0.9 वोल्टेज बन रहा है, और ये हमारे दोनों कोर है 0.8, ये हमारा LDO है लोअर, और ये हमारा बॉब है। राजू अंदर है क्या? बॉब है, मम्मी रुक एक मिनट, वीडियो बन रहा है। हाँ। यहाँ पर ये हमारा बॉब है, तो ये वोल्टेज 1.8, और ये हमारा इस L का आउटपुट है वीरेज 3.3, ठीक है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जो दो कॉइल है ना, ये दो कॉइल मैं आपको बता दूं, तो ये दो कॉइल एक लाइट का है और एक ग्राफिक्स का है। यहां पे भी आपको सेम VPH ही बनता है,
यहाँ ये लाइट का है और ये वाला ग्राफिक्स का है, ये भी VPH का बनता है क्योंकि ये L है, ये ग्राफिक्स और लाइट दोनों IC है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे बताएगा जरूर, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कॉइलों के बारे में इंपॉर्टेंट सारी चीज बताई है वोल्टेज के साथ, और इस बार आपको वोल्टेज दिखाया है। पिछली बार के वीडियो में आपका यार ये वाला जो है ना ये मल्टीमीटर ये छुप गया था, तो कोई बात नहीं है, आप मुझे कमेंट करके बताओ कि वो वीडियो आपको रिपीट चाहिए तो मैं आपको रिपीट दे दूंगा। और मैंने आपको यही सारी चीजें प्रैक्टिकली बताई हैं और यहाँ पर स्कीमेटिक के थ्रू बताई हैं। अगर आपको इनको थ्योरिकल समझना है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैं इसके बाद इसका नया वीडियो डालने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच एंड चिल करो, और दोस्तों सब्सक्राइब कर लो, और क्योंकि अभी क्या ही डालने वाला हूँ आपको तो सोचने की सोच से बाहर है। और अगर पढ़ने आना तो इसे टेलीकॉम को बिल्कुल ज्वाइन करो, और आप हमें ज्वाइन करने से पहले फेसबुक में जरूर जाके देखो और हमारा लाइव काम देखो। और आप ये सोचो कि एसर टेलीकॉम में ज्वाइन होने अगर आप हो जाते हो तो आप बहुत बड़ी किस्मत है आपकी, क्योंकि बेसिकली हमारा एडमिशन पाना ही बहुत बड़ी बात होती है। सो चलो कोई बात नहीं है, हमारे यहाँ ज्वाइन कर लो, और ज्वाइन हो सकते हो तो हो जाओ। हमारे अभी हम 2-3 महीने की बुकिंग नहीं करते हैं, हमारा जो बुकिंग है दिसंबर मंथ की है, और आप आ सकते हो। और अभी MMC बैच भी ओपन है, अगर आप चाहो तो, अगर सारा काम जानते हो तो MMC के बैच में भी आ सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग माई शो एंड keep enjoying and keep hard working and keep learning. Thank you very much. तो आपको ये देखकर और अच्छा लगा होगा कि एक इंस्टीट्यूट बैकअप को भी सपोर्ट दे रहा है ना, मतलब पुराने स्टूडेंट को भी बुला रहा है, सपोर्ट दे रहा है। लास्ट डे क्या करके गया आप? लास्ट डे हम लोगों ने डबल डेकर सीपीयू को मतलब जो है निकाले, और उसके बाद रिबॉल भी किए, उसको लगाए भी पूरा पूरा। लास्ट डेट आपने क्या किया? सर डुअल टेकर सीपीयू, डुअल टेकर सीपीयू आपने रिबोलिंग और रिबोलिंग किया, निकाला, क्लीन किया, वो मैटर समझ में आई आपको? बिल्कुल सर, सीपीयू भी किया। लास्ट डे क्या करके गए? लास्ट डबल डेकर किया है। डबल से लास्ट डे क्या करके गए? सर डबल डेकर किया लास्ट में, डुअल डेकर किया ना। आपने लास्ट डे क्या किया? डबल डेकर सीपीयू करके गए। जाता हूँ आखिरी दिन आपने क्या किया? सर डबल डेकर सीपीयू, डबल डेकर सीपीयू कैसे रिबॉल करके लगाना है, क्लीनिंग प्रोसेस, ये सारी चीज की, ये आपने किया, सारे स्टूडेंट ने की, सब स्टूडेंट ने। आज आपने क्या किया आज के दिन बताओ? सर डबल डेकर किया मैंने, ओपनिंग, क्लीनिंग और रिबॉलिंग। बहुत अच्छे किया आपने, पहले आप पूरी क्लास में पहले थे जिसने सबसे पहले डन किया। बिल्कुल। आज आपने क्या किया आज के दिन में बताया? आज हमने डबल डेकर किया सर। डबल डेकर किया आपने? आप मेरे साथ जिन्हें आज आपसे क्या करवाया? सिर्फ डबल डेकर जो होता है उसको निकाल के रिवॉल्व करके वापस पूरी क्लीनिंग प्रोसेस करवाई। मेरे साथ ने क्या किया आज के दिन? सर डुअल डेकर, डुअल डेकर सीपीयू आपने क्या क्या किया उसमें बताया? सर डुअल डेकर निकाल के फिर लगाए, मतलब उसका रैम क्लीन करके और उसका सीपीयू, और किस सिस्टम से किया आपने? यूनिवर्सल प्रैक्टिकल करने मिलता है कि नहीं मिलता? सर बिल्कुल मिलता। आज आपने क्या किया? करो डुअल डेकर सीपीयू, डुअल डेकर सीपीयू किया यहाँ पर, या आपने खुद किया? खुद से? यस सर खुद किया। आपने क्या किया आज के दिन का बताओ? आज मैं आज डबल डेकर सीपीयू कर रहे हैं आप, उसको भी किससे किया आपने? यूनिवर्सल स्टेंसिल से। यस सर यूनिवर्सल। ऐसा कुछ आपने आज आखिरी दिन क्या किया? आज आखिरी सर आज आखिरी दिन था सर, हम सब ने ना ड्यूल डेकर सीपीयू सर रैम और सीपीयू उतार के दोबारा लगाया है सर सभी बच्चों ने, और सीपीयू उतार दिया था। आज आपने क्या किया? सर ड्यूल सीपीयू, ड्यूल सीपीयू। किस कौन सी तारीख को आए थे? सर हम 25 पर। कौन क्या किया आज के दिन बताइए बस। सर हमने ड्यूल डेकर किया सर, ड्यूल डेकर किया आपने। मेरे साथ में सबसे नंबर वन इंस्टीट्यूट